नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? चलिए, आशा करती हूँ आप सब लोग जो है फिर से जमा हुए हैं एक अच्छा टॉपिक सुनने के लिए, कुछ सीखने के लिए। कितने लोग हैं जो आज पहली बार मेरे वेबिनार में आए हैं? गुड इवनिंग। अच्छा वाई लिख दीजिए चैट में, वाई लिख दीजिए अगर आप पहली बार आए हैं। तुम्हारा गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। फर्स्ट टाइम, काफी लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। ओके, जल्दी से वाई लिख दीजिए अगर फर्स्ट टाइम आया तो। जल्दी जल्दी वाई लिखिए अगर फर्स्ट टाइम आए हैं। मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे साथ जुड़े हैं मुझे सुनने के लिए। ओके, काफी लोग हैं। चलिए, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं एक विश्वास दिलाती हूं कि आज आप लोग यहां से बहुत कुछ लेकर जाएंगे। और ये विश्वास इसलिए दिला रही हूं कि जितने लोग बार बार मेरे साथ जुड़ते हैं वो इसीलिए तो जुड़ रहे हैं क्योंकि यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। चलिए शुरू करते हैं हम। मैं आज आप लोगों के लिए वैदिक न्यूमरोलॉजी में क्या लेकर आई हूँ, क्या सिखाने आई हूँ? आज मैं बहुत सिंपल चीज लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को ग्रिड तो चलो बनाना सिखा ही दूंगी क्योंकि जो लोग नए आए हैं वो एक बार रिवाइज, पुरानों का रिवाइज हो जाएगा और नए लोग सीख लेंगे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी है क्या। लेकिन उसके साथ साथ एक ग्रिड को कैसे रीड किया जाता है और एक पर्सन सक्सेसफुल क्यों होता है, रीजन क्या होते हैं, कैसे अपने ग्रिड को देख के आप पहचान लो कि आप कितने सक्सेसफुल हो सकते हो। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमें सम हर्डल्स आ रहे हैं, सम प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्यों आ रही है? जब क्यों का आंसर मिल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? जब हमें किसी क्यों का आंसर मिल जाता है तो हम उसके सोल्यूशन में जाते हैं। तो कोशिश करूंगी कि आज आप लोगों को बहुत कुछ बता कर जाऊं। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि अगर कोई ग्रिड हम रीड करते हैं तो करते कैसे? शुरू करें? लग रहा है थोड़े एक्साइटेड हैं, एक्साइटेड हैं, लग रहा है आज कुछ सीखने को मिलेगा अच्छा, वो भी हमारे फ्री वेबिनार में, कोई फीस नहीं ली जाएगी जहां पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, मैं आप लोगों के सामने कुछ लेकर आई हूं। आपको किसी की डेट ऑफ बर्थ दिखाऊंगी और उसमें ये रीड कराऊंगी कि ये लोग सक्सेसफुल क्यों हैं। और फिर आप लोग अपनी अपनी ग्रिड बना लीजिए और ग्रिड बनाने के बाद आप देखिए कि ऐसा क्या है, क्योंकि मैं सारे नंबर्स बताऊंगी आप लोगों को कि कौन से नंबर हमें सक्सेस देते हैं और कौन से नंबर हमें स्ट्रगल कराते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ सिखाएंगे। तो यहीं पर एक ग्रिड बनाएं। होता क्या है वैदिक ग्रिड? वैदिक ग्रिड है क्या? यहां पर ही बना लेते हैं हम छोटा सा, एक छोटा सा ग्रिड बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले प्लेसमेंट होती है नंबर 3 की, फिर नंबर 1 की, फिर नंबर 9 की, नंबर 6, नंबर 7, देन नंबर 5, नंबर 8, नंबर 2, सॉरी ये उल्टा हो गया, 1 मिनट। नंबर 2, नंबर 8 एंड नंबर 4। ठीक है, ये जो मैंने ग्रिड बनाया है ये हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी का ग्रिड होता है।
इस किट के थ्रू ही हम रीडिंग्स करते हैं और बहुत सारे योगास को पढ़ते हैं, बहुत सारे। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी क्वेश्चन है ना आपको, वो सबके आंसर्स, एवरी छोटे से छोटे प्रश्नों के उत्तर आपको ये ग्रिड दे देता है। कोई आपकी जिंदगी का ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जिसका आंसर ये ग्रिड ना दे। लाइफ में आप कुछ भी पूछोगे, एग्जैक्ट आंसर आएगा। इतने सारे योगास इसमें सिखाए जाते हैं, ठीक है? तो यहां पर हम 1 घंटे की क्लास में इतने सारे योगा तो नहीं सीख सकते, लेकिन कुछ एक चीजें मैं आपको जरूर बता के जाऊंगी ताकि आप लोग अपने ग्रिड में देख सके कि एक पर्सन जो है, जब आप किसी से बात करने जाते हैं या आप किसी से मिलने जाते हैं या आप किसी से बिजनेस करने जाते हैं या आप किसी को अपने घर में एक नया मेंबर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, चाहे लड़की के लिए चाहे लड़के के लिए, तो आप अगर ग्रिड की थोड़ी सी रीडिंग सीख जाएंगे कि इसकी पर्सनैलिटी कैसे होगी, वो भी सिंपल, बिल्कुल सिंपल ढंग से, तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि जिससे हम काम करने जा रहे हैं, जिससे जिसको हम दोस्त बनाने जा रहे हैं, जिसको हम अपने नए मेंबर को घर में लाने जा रहे हैं या किसी भी तरह का कोई संबंध रखने जा रहे हैं, वो पर्सन की पर्सनैलिटी क्या है। इतना आज मैं आप लोगों को सिखा के जाऊंगी और वो भी बहुत आसान तरीके से। अब आप लोगों को करना क्या है? अब आप लोगों को करना ये है कि ऐसे ही एक अपना अपना ग्रिड बनाना है। शुरू कर दीजिए। यहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। डेट ऑफ बर्थ लिखकर जिस भी नंबर को, जिस इसमें मैंने प्लेस किया हुआ है, फिल किया हुआ है, उसी बिल्कुल उसी उसमें उसको फिल कर दीजिए जो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। यानी कि अगर मान लीजिए कि यहां पर हम ये देखते हैं, एक सेकेंड, यहां पर हम ये देखते, मान लीजिए हम ऐश्वर्या राय की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, ठीक है? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 1973, ठीक? अब ये जो 1 नवंबर 1973 उनकी डेट ऑफ बर्थ है, इसको अगर हम इसी ग्रिड में फिल करें तो कैसे होगा? हमने वन यहां पर, क्योंकि यहां वन था तो हमने क्या किया, एक मिनट, तो यहां वन था तो हमने जो है इसी खाने में, इसी उसमें हमने यहां पर वन लिख लिया, फिर डबल वन था, फिर डबल वन लिख लिया, लेकिन हमें यहां पर वैदिक ग्रिड में सेंचुरी नहीं काउंट करनी है, लिखनी नहीं है, काउंट करनी है लेकिन लिखनी नहीं है, ठीक है? यहां आप देखिए कहीं भी सेंचुरी नहीं लिखी हुई। देन फिर आपने ईयर लिखना है। ईयर कैसे लिखेंगे? जैसे यहां 7 और यहां 3, तो ऐसे लिख देंगे। देन हमने जो ये हमारा नंबर है, अगर तो ये वन है, मीन्स ये सिंगल है, अगर तो ये सिंगल है तो 1 टाइम ही उतारेंगे, लेकिन अगर ये डबल होता, मान लीजिए इनकी डेट ऑफ बर्थ 19 होती, तो हमने 1 प्लस 9 करके फिर से 1 लाना था, देन हम यहाँ पर अगर ग्रिड बनाते तो यहाँ पर हम 3 नहीं 4 1 लिखते। क्यों लिखते? क्योंकि 1 1 इसका आता और 1 1 हमारा इसका आता, यानी कि हम लोग डेस्टिनी नंबर और जो हम अपना बेसिक नंबर निकालते हैं उसको भी ग्रिड में लिखते हैं। जैसे इनका डेस्टिनी नंबर 1 है और इनका जो बेसिक नंबर है 1 है, और जो इनका डेस्टिनी नंबर है वो 5 है, ये यहाँ पर हमने लिख लिया। अब आप लोग सब लोग ऐसे ही अपने अपने ग्रिड तैयार कर लीजिए। आई होप सबने मेरे साथ साथ अपने ग्रिड तैयार कर लिए होंगे। डेस्टिनी नंबर में सारे नंबर्स को हमने काउंट करना है, लेकिन जब हम यहां पर ये फिल करेंगे ग्रिड, देन हमने सेंचुरी को फिल नहीं करना। क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, किसी को भी कोई डाउट है। मैंने सबको म्यूट किया हुआ है, मैं अनम्यूट करूंगी जब आप लोगों से क्वेश्चंस पूछने, जब आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछने होंगे। इस समय आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ 4 टाइम्स 1 आ रहा है, नहीं आ रहा 4 टाइम्स 1। नेहा खट्टर ने लिखा है 4 टाइम्स 1 आ रहा है, नहीं 4 टाइम्स नहीं आ रहा, क्योंकि हमने सेंचुरी काउंट नहीं करनी।
और इसी वन को हमने यहां पर उतारा है तो ये वन टाइम काउंट होगा, 4 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स वन आएगा। लोशो ग्रिड में सेंचुरी काउंट होती है, वहां 4 टाइम्स आएगा। क्लियर? यहां आप वैदिक ग्रिड पढ़ रहे हो। एक डेट ऑफ बर्थ, मैं इसको मिटा देती हूँ फिर से ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। एक डेट ऑफ बर्थ ली, आप लोग सब लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले अपना बेसिक नंबर, ये हमारा बेसिक नंबर होता है और ये हमारा डेस्टिनी नंबर होता है। ठीक है, इसको हम कहेंगे ये हमारा बेसिक नंबर है, जो हमारा डे है ये बेसिक है, ये क्या है, ये हमारा डे है। अगर ये डबल डिजिट में है तो सिंगल कर लीजिए इसको। ठीक, और ये हमारा डेस्टिनी नंबर है। ठीक है, ये हमारा डेस्टिनी नंबर है, इसको ये भी जिस भी डिजिट में आए इसको सिंगल कर लीजिए। अब आपके पास क्या क्या रह गया, आपके पास ग्रिड में फिल करने के लिए, इसको फिल नहीं करना, ये सारे नंबर रह गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ वन हमने यहाँ पर नीचे यहाँ ऐसे के ऐसे काउंट कर लिया, इसलिए वन को हम दो बार काउंट नहीं करेंगे। अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी सिंगल नंबर पे है तो उसको हम डबल काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है सबको? किसी को कुछ पूछना है चैट बॉक्स में लिखिए। 5 कहां से आया? 5 इसका डेस्टिनी नंबर है इसलिए आया। सेंचुरी को क्यों नहीं काउंट करते? सेंचुरी को इसलिए काउंट नहीं करते, ये वैदिक ग्रिड में ये माना जाता है कि सेंचुरी तो हम सबकी है, वो 1-9 हमें मिला ही मिला था उस समय, वो फॉर ग्रांटेड है, वो बाय डिफॉल्ट है हमारी। उसको हटा के ग्रिड क्या है उसको रीड किया जाता है। ठीक है, अगर 10 हो, 20 हो और 30 हो, उसको भी वन टाइम ही काउंट करना है, 1 से लेकर 9 तक। यानी कि अगर आपकी बर्थ नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 एंड 30 है तो ये वन टाइम काउंट होंगे। इनका डेस्टिनी नंबर, इनका बेसिक नंबर और जो पहला नंबर है वो दो बार काउंट मत करना। 2000 को कैसे रीड करेंगे? 2000 का 2 नहीं, बिल्कुल जो आगे के, चलिए मैं आपको एक 2000 की लिख के दिखा देती हूँ। मान लीजिए यहां पर एक डेट ऑफ बर्थ हम लिखते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, चलिए 10/12/2000। अब यहां तो नंबर ही नहीं है इसलिए मैंने ये ली। अब इसका हमने ग्रिड बनाना है। ठीक है, ये हम जब ग्रिड बनाएंगे इसका तो हमने क्या करना है, 10 का हमने 1 तो इसका बेसिक नंबर हो गया, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इसका डेस्टिनी नंबर हो गया, ये दो नंबर और आ गए हमारे पास। अब हमने क्या करना है, 1, 1 के नंबर उसमें प्लेस करना है, फिर 1 है, फिर 1 पे करना है, फिर 2 है, देन फिर 2, 2 की जगह उसको कर दीजिए। ये 1 हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि मैंने कहा अगर 10 है या 1 है सिंगल में है तो हमें ये दोबारा काउंट नहीं करना, यानी कि 2 टाइम्स 1 हुआ, और सेंचुरी तो हमने काउंट ही नहीं करनी। ठीक है, अब हम डेस्टिनी नंबर और लिख देते हैं यहां पर, ये लीजिए डेस्टिनी नंबर। तो ये 2012 में जो दिसंबर में, 10 दिसंबर को जो बच्चा बॉर्न हुआ उसका ग्रिड सिर्फ ऐसे बनेगा, सिर्फ 3 नंबर। ठीक है, आ गया फिल करना सबको? रीडिंग सिखाऊं? चैट में लिखिए, जल्दी से लिखिए सारे लोग, रीडिंग सिखानी शुरू करूं? आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो मैं रीडिंग सिखानी शुरू करती हूँ। है किसी को डाउट? हाँ, अगर किसी का 2001 है तो सिर्फ 1 काउंट होगा, 2-0 काउंट नहीं होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। 4 आएगा, 4 कहाँ आएगा भाई? नेहा लिखो, नेहा कटर, 4 कहाँ आएगा? 4 क्यों आएगा? नहीं, पूछना तो बहुत लोगों को होगा, अभी मैं पूछवा नहीं रही किसी को भी।
अभी क्वेश्चंस नहीं ले रही मैं, अभी मैं सिर्फ रीडिंग सिखा रही हूं। यहां पर हम लोग कुछ सीखने भी आए हैं, सिर्फ पूछने नहीं आए हैं, है ना। नेहा प्लीज आप अपना क्वेश्चन क्लियर लिखिए। 4 आएगा, 4 कहाँ आएगा? 2000 में सेंचुरी काउंट नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल, चलिए एक और एग्जाम्पल दे दो, एक और एग्जाम्पल, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, कोई भी लिख लेते हैं। चलिए मान लीजिए 1/16/11/1999, ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ है। तो सबसे पहले इसका बेसिक नंबर क्या हो गया, 1 + 6 = 7 हो गया। देन इसका जो डेस्टिनी नंबर है वो क्या हो गया, काउंट करें, 1, 7, 8, 9, 10, तो ये 1 हो गया। क्लियर? क्योंकि 9 को तो जितने से हम काउंट करेंगे वो 9 ही, वो उतना ही आने वाला है, इसलिए उसको हम काउंट ही नहीं करते। बड़ा आसान तरीका होता है जल्दी से काउंट करने का, हम उसको उस समय काउंट करते हैं जब हमें कंपाउंड नंबर की जरूरत होती है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट अभी यहां हम डिस्कस नहीं कर रहे, अभी आप जो है इस चीज को समझिए कि हमने एक डेट ऑफ बर्थ लिखी और हमने क्या किया, पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल किया तो टोटल 1 आया। आप लोग करके देख लीजिए, पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करिए, उसको सिंगल डिजिट में लेकर आइए, टोटल 1 आएगा, ठीक है, आराम से बैठ के करिए। चलिए उसके बाद अब हम लोग इसको फिल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1, फिर 6, देन फिर 1, फिर 1। अब हमें ये तो सेंचुरी तो इसमें लेनी नहीं है, तो 99 ले लेते हैं, 99 को ले लिया। देन हमने 7 को ले लिया, देन ये जो डेस्टिनी का 1 है ये भी ले लिया। अब क्लियर हुआ सबको? अब क्लियर हुआ सबको? पहले वाले में क्या क्लियर नहीं हुआ नेहा? 2000 लेना नहीं है तो नंबर बचे 1 और 2, और टोटल जो है वो 6 था, 3 ही तो नंबर लिए थे हमने 10, 12, 2000 में। मैं फिर से करके दिखा देती हूँ, ठीक है। चलिए ये क्लियर हुआ ग्रिड बनाना? अभी नेहा बोल रही है उसको पहले वाले में क्लियर नहीं हुआ, चलिए पहले वाला ग्रिड बनाते हैं। जब तक आप लोगों को ग्रिड बनाना नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखी 10/12/2000, इसका बेसिक नंबर क्या है, 1, और अगर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते हैं तो 6 आता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? अब हम ग्रिड बनाना शुरू करते हैं। अब ग्रिड में क्या हमने एक रूल करा है, हमने यहाँ 2 रूल्स पढ़े हैं, एक ये कि सेंचुरी नहीं लिखनी, तो ये सेंचुरी नहीं लिखी, बाकी तो सेंचुरी में 0 0 है तो यानी कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है, सेंचुरी यहाँ गायब हो गई 2000 में। उसके बाद हमने कहा कि 1 से लेकर 9 तक और 10, 20, 30 ये अगर आएंगे तो इसको 1 टाइम, ये हम ये नहीं करेंगे कि 10 का 1 भी यहाँ ले लिया और 1 का 1 भी ले लिया, ये 1 टाइम करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने नंबर बचे, 10 का 1 लिखा, फिर 1 का 1 लिखा, फिर 2 जो है वो यहाँ पर फिल किया, देन ये तो हमने ले ही लिया था, उतारना नहीं है वापस, तो 6 रहा, तो ये इसका ग्रिड बन गया। इस ग्रिड से हम इसको रीड करेंगे। अब क्लियर हुआ नेहा? किसी को भी और डाउट है तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स ही नहीं आएंगे तो फिर आगे समझाने का कोई फायदा नहीं है। टेक क्लियर बोर्ड, क्लियर बोर्ड मैं तब लूंगी जब मुझे बहुत कुछ पढ़ाना होगा, अभी मेरे को तो छोटा सा आपको डेट ऑफ बर्थ जो है वो पढ़ानी है, और यहाँ बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम अब सबको क्लियर हो गया, ग्रिड करना आपको आ गया, और ग्रिड में हमें डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ हमें अपना बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर भी फिल करना है। हम यही एग्जाम्पल लेते हैं दोबारा, देखिए अगर हम ऐश्वर्या राय बच्चन की बात करें तो आप लोग सोचोगे कि इनके बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं,
सेलिब्रिटी हैं, इनको क्या, इनको कौन नहीं जानता, इनके बारे में तो हम बहुत चीजें जानते हैं। लेकिन एक तो मेरे बोर्ड पे कोई लिखेगा नहीं, नेहा प्रकाश क्यों बोर्ड पे लिख रहे हो भाई, बोर्ड पे क्यों लिख रहे हो, क्या जरूरत है लिखने की। आप लोग डिस्टर्ब करने के बजाय अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए। ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन जब हम किसी का ग्रिड रीड करते हैं तो हमें उनकी अंदर की बातें पता चलती हैं, वो बातें जो सिर्फ उनके पहचान वाले जान सकते हैं, या जो उनके नोन होंगे, या जो उनके बहुत क्लोज होंगे वही लोग जान सकते हैं। हम तो ऊपर की दुनिया, जो हमें दिखाया जाता है, जो मीडिया हमें बोलता है, जो पिक्चर्स में हम महसूस करते हैं, या हम उनके इंटरव्यूज से जो महसूस करते हैं, वही चीजें जो हैं हम लोग उनके बारे में कह देते हैं, यही होता है, इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं जानते। लेकिन जब हम किसी की ग्रिड को रीड करते हैं तो हमें उसकी अंदर की बातें पता चलती। सबसे पहले किसी के भी ग्रिड को रीड करने के लिए तीन तरह से उसके ग्रिड को रीड किया जाता है। कैसे? उसके ग्रिड में हार्ड नंबर कितने हैं, उसके ग्रिड में स्वीट नंबर कितने हैं, उसके ग्रिड में प्लेन नंबर, या फिर प्लेन नंबर कहें या विजडम के नंबर कहें, वो कितने हैं। ठीक है, किसी के ग्रिड को अगर इस तरह से रीड करोगे तो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा, ये जो हम लोग पढ़ते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐश्वर्या राय 1 एंड 5 कॉम्बिनेशन की है। 1 एंड 5 कॉम्बिनेशन जो है वो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। 1 क्या है? सूर्य है। और 5 क्या है? बुध है, मरकरी। 1 नंबर को राजा कहा जाता है तो 5 नंबर को प्रिंस कहा जाता है। 1 नंबर एक अथॉरिटी है, एक कम्युनिकेशन स्किल है, एक ऐसे ऐसा नंबर है जो कुछ भी करने के लिए सक्षम होता है। तो 5 नंबर हमारी इंटेलिजेंस है, हमारा बिजनेस है, और हम लोग जो है किससे क्या बात करें, कैसे काम निकलवाएं, और बोलना, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी इंटेलिजेंस, आपका मनी माइंडेड होना, ये सब 5 नंबर होता है। अब जब एक पर्सनैलिटी को हम रीड करने जाएंगे तो ऐश्वर्या कैसी पर्सनैलिटी हुई, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, जिसमें लीडरशिप होगी, जिसमें अथॉरिटेटिव होगी वो, जिसमें वो एक बिजनेस माइंडेड होगी, मनी माइंडेड होगी, और इसके साथ साथ वेरी इंटेलिजेंट, कोई भी काम करने से वो घबराने वाली नहीं है। तो ये किसने बताया हमें? हमें 1 एंड 5 के एट्रीब्यूट्स ने बता दिया, हमने यहां से सीख लिया। अब हमने देखा कि, मैंने आप लोगों को यहां पर ही लिखवा देती हूं मैं, हार्ड नंबर कौन कौन से होते हैं। हार्ड नंबर अगर हम बात करें तो 3, 1 एंड 9, ये होते हैं हमारे हार्ड नंबर। ठीक है, इनको हम हार्ड नंबर कहते हैं, और यही हार्ड नंबर हमें लाइफ में सक्सेस भी देते हैं। जितने ये तीनों होंगे तो आपके लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी, 2 होंगे तो भी मिलेगी। ठीक है, अब ये हार्ड नंबर क्या कहते हैं, क्यों इनको हार्ड नंबर कहा गया है? ऐसे लोग जो हैं वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, और अपने डिसीजंस लेने के साथ साथ ये दिल से नहीं सोचते, दिमाग से सोचते हैं। जब भी इनकी लाइफ में इमोशंस और करियर दो चीजें आएंगी तो ये करियर की तरफ जाएंगे, ये सक्सेस की तरफ जाएंगे, ये इमोशंस की तरफ नहीं जाएंगे। इसलिए इनको हार्ड नंबर कहा गया है। इनके लिए लाइफ में इनका करियर इनकी फैमिली से ऊपर होता है, नीचे नहीं होता। ये कोई भी चीज सोचेंगे, एक तो नंबर 5 की है, तो कोई भी चीज सोचेंगी जब, तो ये सोचेंगी कि इसमें मेरा फायदा कितना होगा, पैसे के हिसाब से ये पिक्चर मुझे कितना फायदा देगी, तो पैसा जो है इनके माइंड में हमेशा रहे। आया समझ में? रीडिंग करनी आई? अब हार्ड नंबर, अब अगर ऐश्वर्या का ग्रिड देखें तो इसमें क्या है, इसमें पूरे के पूरे हार्ड नंबर, टफ डिसीजन मेकर। ठीक है, स्वीट नंबर कौन से हैं? यहां मैंने लिख के दिया स्वीट नंबर कौन से हैं, ये देखिए आप, ये मैंने स्वीट नंबर लिख के दिए, 2 से
सिक्स एंड एट ये फीमेल नंबर हैं, इसलिए इनको स्वीट नंबर कहा गया है। 3, 1 और 9 एक मेल नंबर होते हैं, इसलिए इनको हार्ड नंबर कहा गया है। क्लियर है? अब 2, 6 एंड 8 जो है स्वीट नंबर है या फीमेल नंबर है, और आप ऐश्वर्या का ग्रिड देखिए, ना 2 है, ना 6 है, ना 8, तीनों नंबर ही मिसिंग है कि नहीं? तीनों नंबर मिसिंग है। ठीक, अब अगर हम आगे बात करें, यानी कि ये कभी भी दिल से सोच के कोई फैसला नहीं लेंगी अपनी लाइफ में, स्वीट नंबर तो है ही नहीं इनके पास, कहां से नरम होंगी, ये नहीं होंगी। उसके बाद आते हैं थर्ड थर्ड रो हमारी आती है प्लेन नंबर की, जिसमें इनके पास 2 नंबर, एक और नंबर होता है, नंबर 4, नंबर 7 एंड नंबर 5। इसको हम या तो प्लेन नंबर कहते हैं या विजडम के नंबर कहते हैं। ऐसे लोग बहुत रिसर्चर होते हैं, बहुत सोच समझ के बोलना, बहुत जड़ तक जाना, रिसर्च करना, फिर इंटेलिजेंट। अगर हम कहें कि इंटेलिजेंस के भी नंबर है तो इसमें कोई दो राय नहीं, तो इनके पास वो भी 2 नंबर है, यानी कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, जरूरत से ज्यादा रिसर्चर है। कोई भी डील करेंगी बहुत सोच समझ के, बहुत अंदर तक जाकर, बहुत खोद के, देन ये डिसीजन लेंगी। और 7, 5 के लिए मैं आपको आज एक योग बता देती हूँ। चलिए यहां पर मैं एक योग बताती हूँ, क्योंकि 7, 5 का योग बन रहा है। 7, 5 जिसके भी ग्रिड में होता है वो प्लास्टिक ब्यूटी होता है। ऐसे लोग प्लास्टिक ब्यूटी होते हैं, यानी कि दिखावा पसंद करना। ये लोग अंदर से थोड़े से अलग होंगे, ऊपर से स्वीट बनने की कोशिश करेंगे। अब जिन लोगों को ऐश्वर्या बहुत ही स्वीट लगती है, आज इसका ग्रेड पढ़ने के बाद आप लोग जान चुके होंगे कि जितनी वो स्वीट दिखती हैं, शायद दिल से वो उतनी स्वीट नहीं है, थोड़े हार्ड डिसीजंस लेने वाले। किसी के अंडर रहकर काम करना ये पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ उनमें एक नंबर 5 है, इसलिए उनमें ये गुण होगा कि जिसके साथ भी जुड़ती होंगी उसके जैसी बनकर काम कर लेती होंगी। नंबर 5 को कहते हैं ना, गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास, यानी कि हर सिचुएशन में ये एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ नंबर 5 है उनके पास जो उनको एडजस्ट कराता है हर जगह पर, तो ये एक अच्छा नंबर उनके पास, ये एक अच्छी क्वालिटी का नंबर उनके पास, जो उनकी लाइफ में शायद बहुत कुछ ऐसा लेकर आया होगा जो उनको हम्बल बना देता होगा। क्लियर है? समझ में आया सब लोगों को जितना पढ़ाया? कोई क्वेश्चन है इसमें? अब क्योंकि जो नेक्स्ट ग्रेड हम पढ़ेंगे वो आप लोगों को और जल्दी समझ आएगा। चलिए पूछिए, कोई क्वेश्चन है तो, कोई क्वेश्चन है किसी का? अब आगे चलते हैं। इनका नाम ऐश्वर्या राय, ये जो ऐश्वर्या राय इनका नाम, ये नाम ये कितने नंबर पे आता है? आप लोगों को ये पता है कि हमारी लाइफ में हमारा जो नेम नंबर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग सिर्फ ग्रिड देख के ग्रिड तो ठीक कर लेते हैं, अगर उस पर्सन का नेम नंबर उसके बिजनेस के हिसाब से नहीं है, या उसकी ग्रिड जो उसकी बेसिक और डेस्टिनी नंबर है उसके हिसाब से नहीं है, तो उसकी लाइफ में हर्डल्स आती हैं। हमें एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए कौन से नंबर चाहिए? एक फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए हमें कौन से नंबर चाहिए? कोई लिख के बताएगा? कोई लिख के बताएगा? कोई बता सकता है? देखो जरा क्या क्या बोलते हैं लोग। 4, 4 नहीं, हाँ 2 एंड 6, बिल्कुल सही, 6, 2 एंड 6। और बोलो, और एक नंबर और बोल दो, किसी ने तो लिखा था अभी। 1, 1 तो हर जगह चल जाता है, 1 को छोड़ दीजिए, 1 तो राजा है ना, वो तो हर जगह चल जाएगा। 2, 3, 6, चलिए 3 भी क्रिएटिव है, बिल्कुल मान लेते हैं। 8 नहीं, 8 नहीं चाहिए। 5 नहीं, 9 तो बिल्कुल नहीं, 7, यस 6 एंड 7, बिल्कुल सही बात कही। ठीक है,
तो यानी कि हमें किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए या क्रिएटिव वर्ल्ड में सक्सेसफुल होने के लिए 3 या 4 नंबर ऐसे होते हैं जो हमें बहुत चाहिए होते हैं। उसमें से पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 6 एंड फोर्थ है 7। ये 4 नंबर ऐसे हैं, अगर आपके ग्रिड में इन 4 में से 2 नंबर भी हैं तो आप इस लाइन में जा सकते हो। ठीक है, आप इस लाइन में जा सकते हो। तो ऐश्वर्या के पास एक तो 3 नंबर है और एक 7 नंबर है, यानी कि 2 नंबर तो उसके पास है। लेकिन अगर हम उसके नाम को काउंट करें, जो कि अभी बच्चन को हम काउंटिंग करते हैं, इसमें बच्चन तो बहुत बाद में बनी है ना, पहले तो ये ऐश्वर्या राय थी जब पिक्चर्स में आई, तो इसका नाम आता है 25 से 7। तो 7 नंबर मैंने क्या बताया आपको, क्रिएटिविटी का बताया। ठीक है, 7 नंबर, 7 नंबर अगर किसी के ग्रिड में 1 टाइम है तो ये नंबर लकी नंबर होता है, ये आपके भाग्य का नंबर होता है। 1 टाइम 7 आना मींस आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास 1 टाइम 7 है। हम कहते हैं ना लकी 7, लॉटरी में जाओ तो वहां पर, एग्जीबिशंस में जाओ तो वहां लकी 7 से कोई गेम निकाली होती है। क्यों कहते हैं लकी 7? क्योंकि 1 टाइम जिसके भी ग्रिड में 7 आएगा वो बहुत भाग्यशाली होएगा, और वही 7 जब मल्टीपल होता है तो ये अभाग्य का यानी कि अनलकी नंबर कहलाता है। क्लियर है? अब यहाँ क्रिएटिविटी का नंबर आया, लेकिन यही नंबर इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब भी किया होगा क्योंकि 7 ऑलरेडी था, 1 7 और इनके पास आया। एक सेकेंड से, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट, जैसे ही ये बच्चन हुई तो इनका टोटल 50 पे आ गया, ये इनको काफी स्मूथ किया, लेकिन क्रिएटिविटी का नंबर तो यही था अगर हम कहें। अभी यहां मैं नेम न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ा रही, आज मैं वैदिक का चैप्टर ले रही हूँ। ये मैंने नेम इसलिए आप लोगों को कहा है कि नेम अच्छा होना बहुत जरूरी है, वो हमारी लाइफ की हर्डल्स को दूर करता है या हमारी लाइफ में बहुत कुछ लेकर आता है। लेकिन नेम नंबर में 2 नंबर हम और निकालते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, 2 नंबर हम और निकालते हैं। यहां मैं तरीका नहीं बता सकती, वो मेरी क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी आपको। उसमें एक नंबर होता है हार्ट सोल नंबर और एक नंबर होता है हमारा पर्सनैलिटी नंबर। वो नंबर जो इनके हैं वो आ रहे हैं 6 एंड 1 पे। जब किसी की डेट ऑफ बर्थ के ऊपर वो नंबर आ जाते हैं, जैसे कि इनकी फर्स्ट है और इनका पर्सनैलिटी नंबर 1 आ गया, तो ये राजयोग बना देता है। ये हमारे नेम न्यूमरोलॉजी का राजयोग होता है। ठीक है, तो यानी कि ऐश्वर्या राय को उनके नाम से राजयोग मिला। समझ रहे हैं आप लोग? इस तरह से हम रीड करते हैं कि एक पर्सन कैसे सक्सेसफुल होता है। चलिए नाम को तो नहीं लेते हम यहाँ पर, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा, मैम कैसे राजयोग हुआ, कैसे हुआ। तो ये चीजें तो कोर्स में पढ़ने की है, ये यहाँ पर मैं नहीं बता सकती। यहां मैंने आप लोगों को एक ग्रिड को रीड करना सिखाया। अब हम सेकंड ग्रिड, क्योंकि इनके साथ जब ये देखिए 3 1 हमें नेम फेम और सक्सेस देता है तो इनको मिला, 1 7 हमें सक्सेस देता है इनको मिली, 7 5 जो है हमें स्पीकिंग पावर देता है, बिजनेस माइंड देता है और ब्रेनी देता है और शो ऑफ करने करवाता है, ये भी इनके पास हुआ। डेस्टिनी 5 हमें बिजनेस माइंडेड बनाता है, मनी माइंडेड बनाता है, इंटेलिजेंस बनाता है। तो इनकी सक्सेस का रीजन कि इनके पास जितने नंबर थे वो बड़े इस टाइप के थे जो सक्सेस हो सके। और इन्हीं के साथ एक और हस्ती थी, मिस इंडिया, जब मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट हुआ था उस समय सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी थी और ऐश्वर्या राय जो है वो मिस वर्ल्ड बनी थी एक ही टाइम पे। आप लोग सब जानते होंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं नहीं बता रही हूं। ठीक है, लेकिन सुष्मिता उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई जितनी ऐश्वर्या। रीजन क्या है इसका? इनकी डेट ऑफ बर्थ में भी तो 1 एंड 7 मैंने अभी तो बताया, 1 एंड 7 क्या बताया मैंने, सक्सेस का नंबर। इनके पास तो डेट ऑफ बर्थ में ही सक्सेस का नंबर है कि नहीं?
इनका तो सक्सेस का नंबर जो है वो इनकी डेट ऑफ बर्थ में इनकी तो बेसिक और उसको मिलाइए तो सक्सेस का नंबर है। फिर भी इनकी लाइफ में सक्सेस तो इनको मिली, राजयोग देखिए आपकी मिस यूनिवर्स बन गई, उसके बाद कुछ पिक्चर्स में मिली, लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिली और उससे भी ज्यादा मैरिज नहीं की, है ना? आज तक मैरिज नहीं की, एडॉप्शन किए, चाइल्ड एडॉप्ट किए, मैरिज नहीं की। अब इनके ग्रिड को आप अगर देखिए तो इनके पास भी हार्ड नंबर है, ये हार्ड नंबर है, इनके पास भी ब्रेन के नंबर हैं, लेकिन इनके पास भी स्वीट नंबर नहीं है। यानी कि ये भी अपनी लाइफ में जो डिसीजंस लेती होंगी ये बहुत हार्ड होकर लेती होंगी, ब्रेन से सोचती हैं, दिल से ये भी नहीं सोचती। और सबसे बड़ा रीजन इनकी स्ट्रगल का क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? कोई मुझे बता सकता है इनके लाइफ में स्ट्रगल का रीजन क्या होगा? कहीं आपको दिखाई दे रहे हैं कोई ऐसे नंबर जो स्ट्रगल दे रहे हो? कोई चैट चैट में लिखिए, चैट बॉक्स में। 77, वेरी गुड पूजा, आप तो मेरी स्टूडेंट हैं, 1 मिनट में आंसर दिया है। यस यस 77। शादी नहीं करना, शादी क्यों नहीं की? भाई उसका मन नहीं था, उसने शादी नहीं की, अब क्या करें? नहीं, मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ, जस्ट अ जोक। देखिए ये जो 77 है ना, ये बहुत बड़ा रीजन होता है हमें लाइफ में गलत डिसीजंस लेना। मैंने आप लोगों को अभी कहा था नंबर 7 एक लकीएस्ट नंबर है, लेकिन अगर ये मल्टीपल आ जाए, यही नंबर अगर मल्टीपल आ जाए तो ये अनलकी बन जाता है। तो इनका जो ये 77 है ये इनको अनलक दे गया, है ना, हार्ड लक दे गया जिसे कह सकते हैं हम। और दूसरा, कभी किसी ने इनके नाम का टोटल किया है? इनके हमारा नाम बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज जो हम सोचते ही नहीं है। सुष्मिता सेन आता है नंबर 40 पे, नंबर फोर क्या है? राहु का नंबर है, इस पे आपने अपना नाम रखा हुआ है और वो नाम आपको हार्ड वर्क देगा, लाइफ में स्ट्रगल देगा, लाइफ में आगे एक बार में तो बूम। ये क्या राहु क्या है? राहु है कि आपको एकदम तो उठा देता है और फिर आपको नीचे गिरा देता है। राहु स्टेबल नहीं, अनप्रिडिक्टेबल है, क्या कर जाएगा पता नहीं चलेगा। और फोर पे इतनी एनर्जी लेकर आना बहुत गलत। आप में से आज टोटल करना जिसका नाम भी फोर पे आता होगा, अपना नाम फौरन चेंज कर लीजिए, बहुत दिक्कत आने वाली है, बहुत ज्यादा। लाइफ में फिर सोचते रह जाएंगे कि हमारे पास काबिलियत भी थी, हमारे पास दूसरों से ज्यादा समझ भी थी, हर चीज थी, फिर हमें चीजें मिली क्यों नहीं? चीजें इसलिए नहीं मिलती। और यहां पर आप देखिए सक्सेस इनके पास भी थी लेकिन वो पूरी तरह नहीं हो पाई। डेस्टिनी नंबर 7 हमें रिसर्च माइंड देता है और साथ में स्पिरिचुअल भी बना देता है, अलग ले जाता है, ठीक। उसके बाद किंग खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान जो है आपको हमेशा लव और रोमांस की मूवीज में ज्यादा सक्सेसफुल मिले। क्यों मिले, किस लिए? हार्ड नंबर के नाम पर तो नंबर 1 आया इनके पास, ये देखिए। अगर हम हार्ड नंबर की बात करें तो नंबर 1 इनके पास, लेकिन अगर हम स्वीट नंबर की बात करें तो इनके पास ये 2 स्वीट नंबर है। यानी कि हार्ड नंबर से ज्यादा स्वीट नंबर, दिल से सोचने वाले बंदे, लव और रोमांस को पसंद करने वाले बंदे, ठीक है। और अगर हम बात करें प्लेन नंबर, ब्रेनी नंबर के, तो वो भी है इनके पास। और इनका एक योग बनता है 6 7 5 का, ये जो योग है ये इनका जो बन रहा है, ये योग जिसका भी बनता है उसके लाइफ में एक स्टेटस होता है, वो लाइफ में बहुत डाउन नहीं जाता, और जो स्टेटस उसका बन जाता है वो उससे धीरे धीरे ऊपर ही जाता है। अगर मान लीजिए लाइफ में किसी वजह से कोई डाउनफॉल आए भी सही, तो वो बहुत जल्दी बाउंस बैक कर जाता है।
दिल से सोचने वाले लोग होते हैं, बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं, बिजनेसमैन लोग होते हैं। तो एक बड़ी ही अच्छी डेट ऑफ बर्थ, ये राजयोग है इनकी डेट ऑफ बर्थ। 1/7 जहां भी आएगा आफ्टर 40 वो राजयोग। इसलिए शाहरुख खान जो है वो ऐसा नहीं था कि छोटी उम्र में आए और एकदम चढ़ गए, उन्होंने भी पूरी स्ट्रगल की है। पहले एक छोटे से सीरियल में आए, फौजी में आए, सर्कस में आए, बॉम्बे गए, कई फ्लॉप मूवीज दी, धीरे 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 करके उनको सक्सेस मिली, उसके बाद वो राजा बन गए। अब ये शाहरुख खान का टोटल क्या है? 42, 6 पे आया। और जब भी 2 और 6 साथ में आता है, मेरे स्टूडेंट्स को पता है, आपको मूवीज में तो बहुत अच्छा करा देगा, आपको लग्जरी भी दे देगा, लेकिन जब 2 6 के साथ, मतलब कि उनका बेसिक नंबर 2 है और नेम नंबर 6 पे आया, क्या देगा? कोई मेरा स्टूडेंट चैट बॉक्स में लिख सकता है क्या देगा? कोई तो बैठा होगा यहाँ मेरा स्टूडेंट जो चैट बॉक्स में लिखेगा। नेम फेम, हेल्थ इश्यूज, कैसे हेल्थ इश्यूज, बॉडी पेन्स, यस पूजा, पूजा बहुत ही, मैं कहूंगी कि मेरा बहुत जल्दी अवार्ड फंक्शन होने वाला है। पूजा आप तो बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि अवार्ड के लायक हैं बिल्कुल, क्योंकि सबसे जल्दी और सटीक जवाब मेरी स्टूडेंट पूजा दे रही है, बिल्कुल सटीक। बॉडी पेन्स देता है, और आप सब लोगों को पता है कि शाहरुख खान जो है वो अपनी सर्जरी कराने गए थे स्पाइनल कॉर्ड की, उनकी जो डिस्क हिली हुई थी, और वो अमेरिका गए थे, इतना उनके उसमें जो है पेन था। और आज भी है, आज भी उनसे बात करो तो वो कहते हैं अक्सर स्टेज शोज में कि अपने पेन्स को नहीं देखना चाहिए, अपनी सफलता को, अपनी खुशियों को देखना चाहिए, समझ रहे हैं? और नेम न्यूमरोलॉजी में अगर किसी की डेट नाम में ये इतने सारे एच आ जाएंगे, यहां पर देखिए आज आप लोगों को सीखने का फायदा कि कुछ कुछ टिप्स मैं प्रेनोलॉजी की भी दे रही हूं। नेम न्यूमरोलॉजी में अगर किसी के ग्रिड में इतने सारे एच आ जाएंगे तो उसकी स्पाइनल कॉर्ड, उसके पीठ का दर्द, उसकी सर्जरी निश्चित। इसीलिए इनको शाहरुख खान से हटाकर SRK, ये इनका नाम रखा गया। हर कोई इनको SRK कहने लग गया, किंग खान कहने लग गया, शाहरुख खान कहीं ना कहीं पीछे छूटकर, क्योंकि वहां जितने भी लोग होंगे जो नेम ने, ये जब भी किसी के पास गए होंगे, किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा इन चीजों में बिलीव करते हैं। पिक्चर्स में आप लोगों को पता है नाम कैसे कैसे रखे जाते हैं, सिर्फ न्यूमरोलॉजी देख के रखे जाते हैं। तो उसने सबसे पहले ये नाम हटा के इनका ये नाम दिया जो कि नंबर 7 पे आता है, और इनका डेस्टिनी नंबर 7 है, क्रिएटिव नंबर है, जो कि इनको बादशाह खान बना गया, किंग खान बना। ये है इनकी सक्सेस का रीजन। एक तो स्टेटस का वो मिला हुआ है, एक राजयोग है, एक लव रोमांस के नंबर है इनके पास, पोलाइट नंबर है इनके पास, और ऊपर से जो नाम है वो दोनों ही नाम अच्छे थे, लेकिन वो इनको हेल्थ इश्यूज दे रहा था, और ये वाला नाम जो है उसने इनको क्रिएटिविटी दे दी और पिक्चर्स में इनको सक्सेस दिला। ठीक है, आई थिंक काफी सब लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स ले 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 लें, क्वेश्चन आंसर्स चाहते हैं सब लोग, बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास। लेकिन उससे पहले, अब दिवाली आ रही है तो दिवाली का कुछ ऑफर दें और दिवाली की कोई टिप दे दूं मैं आपको, ठीक है? देखिए, ये मेरा वैदिक न्यूमरोलॉजी जो मैं पढ़ा रही थी, जो मैं वैदिक ग्रिड के बारे में, नेम न्यूमरोलॉजी बीच में नहीं आती, मैं आप लोगों को पहले ही करा बता देती हूँ, कहीं किसी को कंफ्यूजन ना हो जाए। नेम न्यूमरोलॉजी बिल्कुल अलग कोर्स है। वैदिक न्यूमरोलॉजी एक ग्रिड की रीडिंग कराना, बहुत सारे योगा सिखाना, लगभग 100 के करीब योगा होते हैं हम लोगों के, 100 से ऊपर ही होते हैं, वो योगा सिखाना, और इसके बाद महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से प्रिडिक्शन कराना, और फिर रेमेडीज, यानी कि पहले पर्सन की आप
पर्सनालिटी रीड करोगे, उसकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है वो रीड करोगे, फिर प्रिडिक्शन करोगे, और प्रिडिक्शंस के बाद सोल्यूशन यानी कि रेमेडी। ये सारा का सारा कोर्स जो है ये सिर्फ 8 दिन का, जो कि मेरा 4999 बहुत टाइम से चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ दिवाली ऑफर, दिवाली फेस्टिवल ऑफर में 4499 का ये कोर्स है। आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, 11th, आप दिवाली मनाइए, आराम करिए, दिवाली के बाद की छुट्टियों का भी आराम कीजिए, और 11th ऑफ नवंबर से मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, देन आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने करना जरूरी क्यों है, हर पर्सन को अपना ग्रिड और अपने बच्चों का और अपनी फैमिली का ग्रिड रीड करना आना चाहिए। आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, और इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इतनी कम फीस में इतना अच्छा कोर्स, जिसमें आप घर बैठे अपने पूरे परिवार को कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये आप फोटो खींच सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं सबके क्वेश्चन आंसर सुनूंगी, ठीक है? तो मोस्ट वेलकम अगर आप लोग चाहते हैं। चलिए, नवीन ठाकुर, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, आप अपना नवीन अनम्यूट कीजिए। हाँ जी जी, बिल्कुल बोलिए। अभी जो मैम मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर कर सकता हूँ, आप अभी बता सकते हैं थोड़ा सा इसके बारे में? मैं 1 सेकेंड रुकिए, मैं ऐसा करती हूँ, आप लोगों को एक और चीज मैं बताती हूँ कि मैं यहाँ पर जब आप लोगों को पढ़ाऊंगी, जब आप अगर मेरा ये कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो अभी एक कैलकुलेटर पे मैं डेट ऑफ बर्थ लिखने जा रही हूँ, और इसी से हम रीडिंग करेंगे, ठीक है? एक सेकेंड से, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस कोर्स में मिलता है। हाँ नवीन, बोलिए। मैम 6 जुलाई 78 70 6 जुलाई 1978। क्वेश्चन बताइए अपना। एक्चुअली मैम मैं करना तो चाहता था वैदिक न्यूमोलॉजी। मैंने वैसे लोशो ग्रीड के बारे में किसी और कहीं से कोर्स किया था, लेकिन मतलब अभी मैम पूरी तरह से मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाया है, और मैं चाह रहा था कि वैदिक न्यूमोलॉजी का मैं कोर्स लूँ साथ में। मैं एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम भी चल रही थी फाइनेंस की, तो मैंने कहा कि पहले अभी आप बता रहे तो मेरे को कुछ चीज़ जब बहुत अच्छी से क्लियर हुई ये, तो मुझे लग रहा है कि मैं आने वाले टाइम में मतलब अभी हो सकता है दिवाली से पहले मैं भी कोर्स आपका ये ज्वाइन करूं। तो थोड़ा सा मेरे बारे में थोड़ा ये बताइए कि ये मुझे लगता है कि अभी केतु की महादशा चली हुई है बोल रहे हैं लोग, मतलब मैंने बताया था देखो, किसी ऐसे। वो एस्ट्रोलॉजी में होगी, ठीक है? केतु की महादशा एस्ट्रोलॉजी में होगी, आप आपकी जो भी चल रही होगी। आप अपना क्वेश्चन बताइए। मैम मुझे तो ये अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अभी मेरे करियर के बारे में जानना था मैंने, या हेल्थ इश्यू भी मेरे को काफी टाइम से हो रहे हेल्थ हैं तो। इश्यूज तो होंगे ही होंगे, क्योंकि 666 आ गया आपकी डेट ऑफ बर्थ में। देखिए, ये जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ, ये आपकी बेसिक ग्रिड होती है, ठीक है जी। ये आपकी, 1 सेकेंड, ये वाली आपकी बेसिक ग्रिड होती है, ठीक है जी। जो कि आप बॉर्न हुए तो आपका ये ग्रिड आ गई। आप 6/7/1978 को बॉर्न हुए, 19 हमने काउंट नहीं करना, ये यहाँ पर जो है ये बाकी चीजें आ गई, है ना? जी सेवन जी आपकी, आपका डेस्टिनी नंबर होगा जरूर, जी ठीक है ना? मेरा डेस्टिनी नंबर 2 है मैम, बस 6 और 2 आ रहा है जी। 6 और 2 और है? अच्छा, 2 है, ठीक है ठीक है। 777 तो यहां से आया, 7 और 7 से, ठीक है जी ठीक है। तो अब आपकी ये वाली जो ग्रिड होती है ना, जी ये ईयरली होती है, जी यानी कि हर साल हमारी ग्रिड बदलती है। क्यों बदलती है, क्या रीजन है क्यों बदलेगी? क्योंकि जब हम महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा निकालेंगे और उसको ईयर में ऐड करेंगे, तो वो ग्रिड बदल जाएगी, और वहीं से हम प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक जी है? आपकी लाइफ में मैंने अभी क्या कहा, पहले तो ये देखो कि एक तो आपके पास हार्ड नंबर है ही नहीं,
बिल्कुल खाली है, जी यानी कि आप एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, क्योंकि सारे स्वीट नंबर भरे हुए हैं, जी ठीक है, तो सॉफ्ट हार्टेड है, जल्दी दया करते हैं, जल्दी बहल जाते हैं, कोई कुछ कहे तो जल्दी मान जाते हैं चीजें, है जी ना, तो बिल्कुल इस वजह से हो सकता है आपको कुछ परेशानी भी आती हो, सोचते कम है, इमोशनल ज्यादा है ना, बिल्कुल और ऊपर से 777 आ गया। अब मैंने कहा 1-7 लकी है, और जैसे ही मल्टीपल होता है अनलकी होता है, तो आपकी लाइफ में चीजें जो है वो आपको उतनी नहीं मिलती जितनी आपको मिलनी चाहिए, बिल्कुल जितने आप कैपेबल हैं उतनी आपको चीजें नहीं मिलती। नेक्स्ट नेक्स्ट आपने कहा कि करियर, अब आपका क्या हुआ है कि यहाँ पर ये न्यूमरोलॉजी की महादशाएं हैं, इसको आप एस्ट्रोलॉजी से नहीं मिलाना, ठीक है ठीक रिजल्ट वही निकलेंगे, हम कहते है हैं ना एंड रिजल्ट वही होगा, जी ठीक है, लेकिन यहाँ की महादशाएं अलग होती है, नंबर्स के हिसाब से होती है, जी ठीक। तो यहाँ पर आपका एक अच्छी चीज आई है कि यहाँ पर आपकी अंतरदशा 3 की आई है, जी यानी कि एक हार्ड नंबर, और वो भी कौन सा, नॉलेज का, गुरु का नंबर इस साल आपके पास आया। इस साल तो खत्म हो गया, सॉरी, हम 2024 को देखेंगे, ये पिछला साल है, अब हम इसको देखेंगे, इस वाले ग्रेड को। तो ठीक है यहां पर भी एक हार्ड नंबर आपके पास आया जो कि 9 का, यानी कि करे जाए, जी मंगल है ना, सम जी करे जाए, कुछ करने की ताकत आई, जी ठीक है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये तो हमेशा से ही आपको दिक्कत दे रहा है, साथ में दिक्कत ये है कि 666 आ गए, जी आपकी हेल्थ कैसे रहती है पहले तो मुझे ये बताइए। बहुत वही मतलब 1.5 साल से तो बहुत दिक्कत आ रही है मैम। क्यों, क्योंकि पिछले साल भी 666 था, ये हेल्थ इश्यूज दे देता है, 777 है, साथ में 666 आ गया, ये हेल्थ इश्यूज दे देता है, और बाय बर्थ ही आप थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज लेकर आए हो, क्योंकि जब ये 28 आता है ये भी हेल्थ इश्यूज देता है, 2 जो है पानी है और 8 जो है वो लोहा है, जब भी ये सामने आमने आएंगे ये जंग लगता है, यानी कि सेहत अच्छी नहीं होती, बिल्कुल मैम ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि अभी आपका टाइम पीरियड जो है वो जब तक 6 की महादशा चल रही है, आपकी हेल्थ जो है वो ऊपर नीचे रहेगी, और ये कब जी तक चल रही है ये देख लेते हैं, ये कब तक चल रही है, तो ये लगभग हमारी अभी तो बहुत चल रही है, अभी तो 2028 तक चल रही है, अभी तो शुरू हुई है आपकी 2023, 23, 24, 25, 26, 27, 28, जी 6 साल, जी तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। अब आपको यहाँ करना क्या है, जो नंबर ज्यादा हो जाता है ना हमारी लाइफ में, उसके हमें दान देने चाहिए, जी कोई चीज आपके पास ज्यादा होती है तो आप कहते हो ना ये मैं किसी दूसरे को दे दूं, अब जी दिवाली आ रही है, 4 लोग आपके घर आए और 4 बेड कवर दे के चले गए, तो जी क्या कहोगे कि अब मैं जिसके घर जाऊंगा इन 4ों में से कोई बेड कवर उठाता हूँ और दूसरे को दे आता हूँ, इतने जी मुझे बिल्कुल क्या करने हैं। तो ऐसे ही जब हमारी लाइफ में जो नंबर ज्यादा होते हैं उनका हमें दान करना चाहिए, और 6 के दान कौन से होते हैं, कोई भी सफेद मीठी चीज के दान करिए शाम के समय, जी चीनी हो सकती है, मीठा बर्फी हो सकती है, रसगुल्ला, सफेद मीठी चीजों का दान करना इवनिंग टाइम, जी ये आपके जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं इसको थोड़ा सॉल्व करेगी। जी और जितने हमारे पास नंबर नहीं है, हमारे पास जो चीज नहीं होगी उसको हम बाजार से खरीद के लाएंगे कि नहीं लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे जी अब जो अच्छे नंबर हमारे पास नहीं है उनकी चीजों को या तो अपने पास रख लीजिए या उनको धारण कर लीजिए, ये एलिमेंट मिसिंग है आपकी लाइफ से, 3 है, 1 है, 5 है, ये तो हमें चाहिए ना एक जी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, तो जी इनके एलिमेंट की चीजें या तो क्रिस्टल के रूप में या इनकी जो चीजें होती है उनके रूप में, जैसे कि नंबर 3 है, या तो सिट्रिन का क्रिस्टल पहनेंगे या हल्दी को अपने पास रखेंगे या हल्दी का केसर का टीका लगाना शुरू करेंगे या नाभि पे, मींस किसी ना किसी तरह उस चीज को अपने पास रख के, या उसके ऐसे ही 1 और 5 को लाइए अपने पास, आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स दूर होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है मैम। अब मैम एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। मैं ना अकल्ट में अपनी मतलब जैसे ये वैदिक न्यूमरोलॉजी वगैरह मैं इसमें आप अपना ऑकल्ट में आंखें बंद करके आ जाइए, उसका रीजन ये है कि 777 है और ये आपका सिद्ध हो जाएगा, ठीक है मैम थैंक यू जी जो अनलकी बना हुआ है ना आपके लिए वो आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये ऑकल्ट, ये भूखा है, ये कहता है ना कि मुझे भूख लगी है,
क्या खाऊं मैं, और अकल्ट की दुनिया में इसको बड़ा मजा आता है, ये जी रिसर्चर है। फिर आपकी डेस्टिनी नंबर टू है, डेस्टिनी नंबर टू क्या कहती है, डेस्टिनी नंबर टू कहती है कि मैं, मेरी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, जी आप कोई भी काम करने जाएंगे उसमें आपको इतनी सक्सेस नहीं मिलेगी जितनी कि ऑकल्ट की दुनिया में आपको सक्सेस मिलेगी। तो आंख जी बंद करके आप इस लाइन में आ जाइए। ओके मैम, आई थैंक यू। थिंक, आई होप कि मैं आपको एक ऐसा ऑकल्ट का मास्टर बना सकती हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मेरे स्टूडेंट से आप बात कर सकते हैं कि ठीक है मैम, थैंक यू। वो आज इस कहां से कहां पहुंच गए। ठीक है, ओके मैम, तो 11 तारीख को आइए, हम लोग जो है एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और आपकी डेट ऑफ बर्थ सचमुच इस लायक है, थैंक यू मैम, सचमुच थैंक है, यू, थैंक इसमें कोई यू, शक थैंक नहीं है। यू मैम, चलिए थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट नाम लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट नाम लेते हैं रंजीत, रंजीत कुमार गुप्ता, और उसके बाद सुनीता मिश्रा। ठीक है रंजीत जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए जरा। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार, हाँ बताइए रंजीत जी। मैम मेरा फिनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रहा है ठीक और मेरे है, बेटे को भी जॉब से ये हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, जॉब छूट गया है। आप एक ठीक डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब लोग चाहते हैं कि है, मैं सबकी डेट ऑफ बर्थ लूं, तो आप एक ले एक सकते हैं। एक हाँ ले हाँ जी, रहा हूँ मैम। जिसकी जिसकी भी बता दीजिए। हाँ मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ 25 सितंबर 2000। एक मिनट, 25th सितंबर टू सेप्टेम्बर 2000, थाउजेंड यानी कि 7 एंड 9 का कॉम्बिनेशन है इनका। ओके okay. चलिए, एक तो मैं अच्छी चीज बता दूं आपको कि इस साल आपके बेटे की जॉब लग जाएगी, अगर अभी जॉब ठीक है नहीं मैम। है तो। इस साल, ये साल, पिछले साल तक थोड़ा सा तकलीफ वाला था, लेकिन इस साल जो है आपके बेटे की जॉब लग जाएगी, ये पक्का है। उसकी लाइफ की न्यू बिगनिंग इस साल शुरू हो रही है, और इसी बर्थडे के बाद से उसका टाइम पीरियड अच्छा आ रहा है। ठीक है, और आई थिंक 14 दिसंबर से पहले पहले उसकी जॉब लग जाएगी। या बिजनेस करेगा मैम? हाँ बिजनेस कर सकता है, कर सकता है, बट जॉब ज्यादा अच्छा है। ठीक एक्चुअली इसका 9 बहुत डिस्टर्ब्ड है, अग्रेसिव लड़का है, बहुत हाँ जिद्दी है, मैम, जिद्दी है, किसी अपनी मानता है, किसी की सुनता की नहीं। नहीं सुनता है लाइफ में मैम। जो सक्सेस है इसकी, वो थोड़ी सी लेट है, जल्दी नहीं है। ठीक है, ओके वैसे ये मनी माइंडेड है, इसका दिमाग चलता है कि मैं एक साथ दो काम करूं, कैसे पैसा कमाऊं। जॉब के साथ ये कहेगा मैं कोई बिजनेस भी कर लूं। अभी का टाइम पीरियड खराब चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन आगे जाकर आप देखोगे। लेकिन जब डिसीजन लेने का टाइम आता है ना, तो ये सही डिसीजन नहीं ले पाता, यस ऐसे मैम। बहुत सोचेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, आपके साथ बैठेगा तो इतना ज्ञान दे देगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा, लेकिन जब डिसीजन लेने का समय आएगा तो सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, उसके कारण इसको प्रॉब्लम होती है। और सोचता ही ये है कि मेरे से अच्छा डिसीजन ही कोई नहीं ले सकता, लेकिन इसमें करेज बहुत है, होगा सक्सेसफुल, ऐसा नहीं है नहीं होगा। ठीक सही है, बोल रहे मैम। हाँ करेज बहुत है इसमें, और पैसा कमाने की धुनक भी है इसमें, तो होगा। ये साल इसका अच्छा आया है, बस इसके थोड़ा सा, इसको कहना जो भी ये एक्टिवा चलाता है या बाइक चलाता है, जो भी चलाता है, थोड़ा ध्यान रखेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ठीक है मैम, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा ये है कि कहीं संभावना हो सकती है, 100% नहीं होती, कभी भी हम भगवान नहीं बनते, लेकिन हम कहते हैं कि संभावना हो सकती है कि ये थोड़ी सी बाइक वगैरह इस साल थोड़ा ठीक ढंग से चलाए। ठीक है, तो ठीक है ये मैम, इसका ठीक ध्यान है मैम, रखना है। एक इसको 9 नंबर के आपने दान कराने हैं, क्या क्या करना है इस मैम? मंगल मंगल के दान, लाल चीजों के दान, लाल मसूर की दाल होती है, मंगलवार को वो दान करा दीजिए इसके हाथ से।
हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा करता रहे, कर सकता है, नहीं कर सकता तो ट्यूसडे को जाकर प्रसाद चढ़ाए जाकर, ठीक है मैम, बजरंग बली को अपना इष्ट बना ले, इसका कल्याण हो जाएगा। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, और अपनी लाइफ में एक इसको सूर्य को जल देना चाहिए जरूर, जो आज बच्चे सुनेंगे नहीं सुनेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसको जरूर देना चाहिए सूर्य को जल। ठीक ठीक है मैम, है, और एक अगर और कुछ नहीं कर सकता ये, तो पीले रंग का धागा, मौली आती है ना, दो तरह की कलावा आता है, लाल और पीली जो मिक्स आती है, वो इसको बांध दीजिए। लाल और पीली, ठीक ठीक है है, मैम, ठीक तो ये करिए, ये है साल मैम, इसका अच्छा है। आई आई होप आई प्रे कि 14th of December से पहले पहले इसकी जॉब लग जाएगी। ठीक है मैम, ठीक ठीक है, है मैम, ठीक चलिए, है मैम, गॉड ब्लेस हिम। अब हम लोग नेक्स्ट पार्टिसिपेंट के पास चलते हैं, जो कि हैं सुनीता मिश्रा। सुनीता जी अनम्यूट कीजिए नमस्ते। अपने आप को। हाँ, हाँ नमस्कार नमस्ते, नमस्कार नमस्कार मैडम, कैसे नमस्कार नमस्कार। हाँ बताइए, कैसे हैं हम आप, मैं कैसे हैं बिल्कुल आप? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, आई होप आप भी बहुत अच्छी होंगी। हाँ बताइए। यस यस मैडम। सर एक क्वेश्चन बेटे को लेकर के था, उसका हाँ हाँ जॉब रिसेंट कुछ प्रॉब्लम आ गया है, ठीक ठीक है, है। तो मैं ये पूछना चाहती थी, उसे इससे अच्छी जॉब मिलेगी या इस जॉब के जाने के बाद में मतलब क्या होगा? अभी तो उसके पास अच्छी जॉब है लेकिन हाँ अल्टीमेट है, तो मैं थोड़ा इसके लिए थोड़ा सा परेशान हूँ। श्योर, आप मुझे उसकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। उसकी डेट ऑफ बर्थ 7 अगस्त 1990। अड़चन तो है जी, इसमें कोई शक नहीं है। अंतरा 8 का आया हुआ है और शनिदेव अड़चन तो दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हो सकता है जो जॉब मिले वो, जैसे कि अब हो सकता है वो एक अच्छी रिनाउंड कंपनी में काम कर रहा हो, अब जो जॉब मिले वो उससे नीचे लेवल की कंपनी हो, पैसा नहीं घटेगा, कंपनी का लेवल घट सकता है। जैसे मैं आपको, और अड़चन तो है इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि यस कई मैडम, बार हम अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब कर रहे होते हैं और अचानक किसी भी रीजन से, चाहे वहां तकलीफ आए, चाहे अड़चन हो, चाहे वहां वो कंपनी ही बंद हो जाए, या फिर हमारा ही मन किया कि बहुत साल हो गए हैं हमने, अब ये जॉब छोड़नी है, हमने कोई नई जॉब लेनी है, ठीक है, तो हमारा ये मन किया, तो हमने जो है वो होता क्या है कि हमने जॉब छोड़ी, बहुत ही रिनाउंड कंपनी थी, एमएनसी में जॉब कर रहे थे, और हमें एक नया स्टार्टअप मिल गया जहां पर हमारी तनख्वाह तो बहुत बढ़ गई, लेकिन अगर हम अपना स्टेटस देखें तो वो तो उतना नहीं रहा ना, यस समझ रहे। मैडम, तो पैसा कम अच्छा होना नहीं होगा, वो नहीं दिखाई दे रहा बिल्कुल भी पैसे की वजह से, लेकिन हाँ इनकी लाइफ में चेंजेस बहुत है, ये मैडम, चेंज ये करते चेंजेस रहेंगे। करते रहेंगे लाइफ में, पूरी लाइफ, अभी तक नहीं जो अभी जितना नहीं लाइफ रहा ऐसा नहीं उसमें। है कि लाइफ, लेकिन फिर भी चेंजेस करेंगे, ये चेंजेस करेंगे। अगला साल तो मुझे फिर से चेंज नजर आ रहा है, क्योंकि अभी ये जो भी जॉब मिलेगी, अगर ये छोड़ते भी हैं तो इनको ऐसा लगेगा कि मजा नहीं आ रहा, तो अच्छा, ये ये फिर चेंज करेंगे। जॉब मिलती रहेगी? अभी तो इनको यही प्रॉब्लम लग रही है कि नेक्स्ट क्या होगा, अभी तो इनके मन में ये मतलब भावना है कि नेक्स्ट क्या होगा, अभी कोई हाँ, लाइन क्योंकि क्लियर नहीं है, लाइन क्लियर नहीं। शनिदेव बैठे हुए हैं, तो अभी तो इनको जॉब मिलेगी लगभग 29 दिसंबर, दिसंबर के मंथ में, कुछ 10-12 दिन आ रहे हैं, समझ लीजिए 19 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच में इनका ठीक टाइम है मैडम, पीरियड ठीक अच्छा आ रहा है, नहीं तो है। फिर अच्छा फेब में, नहीं तो फेब में। तो मैडम, कुछ शनिदेव का ये क्या कर सकते हैं, जिससे शनि भगवान इनके फेवर में हो बिल्कुल जाए, बिल्कुल थोड़ा करना चाहिए, बिल्कुल, 88 क्या आ रहा करें, है, क्या इनको करना करें? चाहिए, इनको इनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 एंड कौन सा कॉम्बिनेशन है इनका, 77 है, 9 है और 8 है। नहीं हाँ नहीं 1 मिनट, 7 एंड 7 का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, तो 77 ये टेक्निकल फील्ड में है क्या? नहीं, टेक्निकल फील्ड में नहीं है, न्यूज न्यूज में है, न्यूज चैनल में।
न्यूज चैनल में है अच्छा उस फील्ड में है रिपोर्टर रिपोर्टर रिपोर्टर। अच्छा अच्छा ठीक है जर्नलिस्ट है क्या। ठीक है आप एक काम करिए एक तो इनको जो है वो शनि के उपाय कराइए यानी कि काली चीजों का दान दे सैटरडे शाम के समय। ठीक है काली मैडम, ठीक चीजें कौन सी हो सकती है। काली दाल हो सकती है काला कंबल हो है सकता ठीक है सरसों का है तेल हो सकता है काली चप्पल हो सकती है काले कपड़े हो ठीक सकते हैं काली शॉल हो है सकती ठीक है बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं है। शाम आप ये कराइए। ठीक है को सूर्यास्त के समय दे मैडम, सूर्यास्त सूर्यास्त के बाद ठीक है शनि के दान ठीक है ठीक इवनिंग में दिए जाते हैं नाइट में दिए है जाते ठीक हैं। है ठीक है दूसरा मैडम। एक बार जाकर ना या तो काले चने होते हैं वो घर से बनाकर ले जाए या बाहर से आलू पूड़ी बनवा ले थोड़ा सा भंडारा लगवा दे इनके हाथ से ठीक है मैडम तो ये अड़चन दूर हो जाएगी इनकी जॉब के चांसेस जल्दी पास आ जाएगी। चलो, शनि का ही मेन करना है और अभी भंडारे अभी वाला बताया है। इस साल शनि का ठीक है इस साल शनि का अगले अगले साल केतु ये ठीक दो है तंग मैडम, कर रहे हैं इनको। हाँ बिल्कुल ठीक है एक क्वेश्चन, एक हाँ क्वेश्चन मैडम, बोलिए। आप बात करिए प्लीज, अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं ये कह रही थी कि इनको 3 and 1 इनको अपनी लाइफ में लाना चाहिए ठीक है। तो तो अगर मेरी बेटी है उसका 3 वो है, मतलब क्या बोलते हैं, नहीं यहाँ सुनीता जी मैं एक ही आपका प्लीज नहीं आंसर नहीं पूछ वो हाँ 3 नंबर वाली है, तो उसका सहयोग लें क्या, ये मैं केवल नहीं है नहीं सहयोग तो अब। बिजनेस में लिया जा सकता है ना अच्छा आप अच्छा जॉब अच्छा में कैसे सहयोग लेंगे। अच्छा जो जॉब की आप बता रहे, जॉब में 3-1 वाले को लाए रात में। हाँ 3-1 वाले को नहीं लाए 3-1 अपनी लाइफ में लाएं कैसे लाएंगे सूर्य को जल दें ठीक हाँ वो देते हैं मैडम, वो सूर्य को है जल देते हैं। ठीक आदित्य है संडे को आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें मतलब या सुने थ्री वन की पूजा ठीक पाठ करें मतलब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ओके ओके मैं समझ गया मैं समझ गया। नाभि पे हल्दी लगाना शुरू कर दें ठीक है मैडम। ठीक है। तो ये अंदर छोड़ सूखी हल्दी थोड़ी सी आफ्टर बाथ तो ये सब करने से इनका थोड़ा सा टाइम पीरियड अच्छा ये एलिमेंट्स इनको लेकर आने पड़ेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है मैडम, ठीक है। ग्रिड में नंबर नहीं है ना नंबर बहुत कम है इनकी ग्रिड में हाँ, 3 ही नंबर है ना मैडम। और 7-7 का जो है वो हो रहा है ठीक है ना। हाँ मैडम, चलिए आप ये जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, हाँ क्या आपके जी कोर्स में मिलता है सॉफ्टवेयर क्या? ये मेरे स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अच्छा, मतलब अब डालने से कोर्स अंतर आप देखिए कोर्स रहता करने का फायदा है। सुनीता हाँ जी हाँ हाँ डबल हाँ 4, 99 का दिवाली ऑफर का ये कोर्स है ठीक है। अच्छा हाँ उसके बाद ये सॉफ्टवेयर भी मिल गया आप लोगों ने ग्रिड की रीडिंग भी सीख ली आप लोगों ने महादशा अंतरदशा ये जो लिखी हुई है ये जो मैं निकाल रही हूँ ये निकालनी भी सीख ली प्रिडिक्शन लेवल भी सीख लिया है ना और रेमेडी भी जो मैं साथ साथ कह रही हूँ ये एलिमेंट नहीं है इस एलिमेंट को लेकर आइए ये है तो इसको ये कीजिए तो ये चीजें भी आपको वहां सिखा। तो आप लोग इतनी कम फीस में इतना कुछ सीख लेंगे और साथ में ये सॉफ्टवेयर भी मिलेगा तो आई थिंक ये कोर्स हर एक को करना चाहिए ये किसी को मतलब नहीं करना सॉफ्टवेयर चाहिए की वैलिडिटी कितनी रहेगी मैडम? ये लाइफ टाइम है लाइफ टाइम लाइफ फ्री ऑफ टाइम। कॉस्ट लाइफ टाइम आपके पास थैंक यू वेरी मच, तो सो श्री मैडम, थैंक यू वेरी मच। ठीक है मैंने अभी बाद में आपका कोर्स ज्वाइन किया था, मतलब एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से नहीं थी, थोड़ा बाद में मैं आ पाई कोई थी। बात थैंक यू नहीं वेरी मच कोई मैडम। कोई बात नहीं लेकिन आप अगर सीखेंगी तो वो तो एक एक चीज सीखेंगी फिर ठीक है। चलिए सोनल अग्रवाल सोनल अग्रवाल आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सोनल अनम्यूट कीजिए। हाँ जी हेलो हाँ सोनल बोलिए। जी मैम, गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैम। मेरी डेट ऑफ बर्थ 8 अप्रैल 1988 है। लाइफ मेरी अप्रैल लाइफ 1988 में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। चाइल्डहुड से ही मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती हुई आ रही हूँ। मेरी अर्ली एज में एक्सपायर हो गई थी, तो आफ्टर दैट आई टेक द सोनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम। एक चीज पूछूं आपसे जी मैम, आपने अभी मेरा ये सारा वो देखा वेबिनार पूरा देखा। आई ज्वाइंड 7:20, कोई बात नहीं क्योंकि आपकी मेरी डेट ऑफ बर्थ से मैं क्लास बहुत कुछ दूसरों को सिखा देती हूँ। जब आपके देखिए ना तो हार्ड नंबर है आपके पास यानी कि सक्सेस के नंबर जो हम लोग कहते हैं
कि 319 एक सक्सेस का नंबर है, ये मैंने पढ़ाया उसमें, वो आपके पास नहीं है। आपके पास बिजनेस का स्टेटस का नंबर नहीं है। नंबर कौन से हैं आपके पास? नंबर अगर आपके पास है तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगलिंग नंबर से, और ऊपर से आप 888 लेकर बैठी हैं अपने बेसिक चार्ट में। ये चीजें जो है आपको बहुत तंग कर रही है, इसीलिए यस आपकी मैम, लाइफ में प्रॉब्लम्स है। मेरा मेन क्वेश्चन ये था, जैसे लाइक मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी तो अभी जैसे शादी मेरी हो गई है, लाइक मेरी शादी को 15 ईयर्स हो गए हैं, बट हस्बैंड से मुझे कोई सपोर्ट नहीं है. लाइक मेरी दो डॉटर्स हैं, उनकी स्टडी का खर्चा जो भी मतलब होता है, अभी तो मेरे से ही सब चलता है. मैं ट्यूशन लेती हूँ, सो इसलिए आपको ज्वाइन नहीं कर पाई टाइमली, क्योंकि मेरी क्लास चल रही थी, सो इसलिए मुझे लेट हो गया ज्वाइन करने में. सो मुझे था कि हस्बैंड का भी बिजनेस नहीं है. अब आई डोंट नो, उन्होंने ट्राई बहुत किया तो उनका बिजनेस भी नहीं रन होता है. अभी इवन मेरा पैसा इतना खर्च हो रहा है. मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि 2 साल से मैं जितना भी अर्न कर रही हूँ, मुझे पता नहीं चलता कहाँ मेरा पैसा चला जाता है. इवन अभी मैंने हस्बैंड के बिजनेस में 1 मंथ पहले ही लगाया है पैसा, लेकिन अभी कोई है कि उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं है. अब उनका भी कहना है कि इसे इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं है. ऐसे लास्ट ईयर हुआ था, तो मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो रहा है, कुछ पैसा रुक ही नहीं रहा है, टिक ही नहीं रहा है. कहाँ खत्म हो जाता है पढ़ाई चलता, मतलब फालतू फालतू खर्चे. ये 888 आपको बहुत तंग कर रहा है सोनल। आपकी डेट ऑफ बर्थ में आप देखिए, आपका जो कॉम्बिनेशन है वो 8 एंड 2 का है, कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं है, ठीक है ना? और 2 क्या होता है? 2 नंबर क्या है? 2 नंबर जो है चंद्रमा है, मून है। मून कैसा है? चंचल है। मून क्या एक जगह टिकता है, वो कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, चंचल है कि नहीं है? है ना? एक जगह टिकता नहीं है। अब मून हमारा कैश फ्लो भी होता है, और आपके साथ यही हो रहा है, पैसा आता है और जाता है, तो मून टिकने नहीं देता उस चीज को। और अच्छा, इधर से आप 888 लेकर बैठी मेरी बैक में भी जैसे बहुत ज्यादा पेन रहता है. और ये अभी तो बड़ा होगा आपका 2024 में, तो आपके बर्थडे के बाद और बड़ा होगा आपकी बैक का पेन। मैन, बैक का पेन तो लाइक आफ्टर डिलीवरीज मेरे कंटिन्यूसली ही है, तो वो कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है. वो सच मैंने नहीं उसको वो किया क्योंकि वो ऑलमोस्ट रहता ही है, बट हाँ बहुत ज्यादा होता है, कभी कभी तो अनटॉलरेबल तो होता आपको सबसे पहले तो करना क्या है, इस पे कंसंट्रेट करिए कि आपने है. आज के बाद जो है शनि के दान देने हैं कंपलसरी। हेलो सोनल, हेलो मैम, शनि म्यूट के हो गई क्या? दान देने, हाँ शनि के दान देने आपने कंपलसरी, अच्छा ठीक है? तो काली चीजों के दान देने मैम, शुरू करिए। और यहां पर ना मैं एक आप लोगों को टिप बताती हूँ, ठीक है? आप लोगों को एक दिवाली पर आप लोग जो है एक टिक कर दीजिए, जिन लोगों का 8, अभी मैंने सुनीता जी का भी देखा और भी देखा, सोनल का भी है, कर तो ये हर कोई सकते हैं, लेकिन 8 नंबर से जो लोग दुखी हैं उन लोगों को जरूर करना चाहिए। एक टिप लिखिए सारे लोग, दीपावली वाले दिन आपने लोहे का एक बर्तन में पानी डालना है, लोहे का बर्तन होना चाहिए, उसमें पानी डालना है, थोड़ा सा घी डालना है, थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा दूध, ये डाल के पीपल के पेड़ पर इसको चढ़ा दीजिए। फिर से बोल रही हूं, दीपावली वाले दिन लोहे के एक बर्तन में पानी घी शक्कर दूध इसको मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ा दीजिए, और इसके साथ 5 तरह की मिठाइयां भी वहां पर रख दीजिए। एक घी का दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर 11 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। सिर्फ इतना करने से आप लोगों की लाइफ में बहुत सारा, इस बार कहते हैं ना, माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। माँ लक्ष्मी आप लोगों के ऊपर सचमुच कृपा रखे और आपकी दिवाली बहुत ही खूबसूरत हो। जितनी प्रॉब्लम्स हैं शायद इस छोटे से उपाय से ठीक हो जाए। और एक और चीज बताइए, आप लोगों ने मेरा दीपावली के ऊपर पॉडकास्ट देखा है कि नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो आप लोगों के ग्रुप में मैं वो पॉडकास्ट का लिंक डाल दूँ। इतनी सिंपल रेमेडीज मैंने वहां पर बताई हैं। अगर दिवाली के समय वो मनी बैग्स एंड
जो आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए मैंने आपको एक वहां पर टिप बताई है, वो अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपकी लाइफ से पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफी हद तक सॉल्व हो जाते। ठीक है, तो ये आप लोग को मैं लिंक डाल दूंगी ताकि आप लोग ये कर सके। चलिए एक चीज और मैं बताती हूँ कि अभी किसी ने कहा इसको ना आप रिपीट कर दीजिए, आपने क्या करना है, 5 तरह की मिठाई लेनी है, एक दीपक लेना है जोत जलाने के लिए, ठीक है, और एक लोहे का बर्तन लेना है जिसमें दूध, पानी, घी और शक्कर, ये चार चार चीजें डाल दोगी। अब ये चीजें डालकर आपने क्या करना है कि वहां पर जो है पीपल के पेड़ पर जाना है और वहां पर ये जल, जो दूध घी शक्कर मिलाकर ये जो जल है ये वहां पर चढ़ा देना है, उनको अर्पण कर देना है। उसके बाद वहां पर 5 तरह की मिठाइयां रख देनी है, अपनी जोत जलानी है और हाथ जोड़कर 11 परिक्रमा करनी है। ठीक है, वहां पर 11 परिक्रमा करनी है और ये करने के लिए आपको जो है 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और आई थिंक आपकी लाइफ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। करके देखिएगा जरूर। परवीन कुशवाहा आप अनम्यूट कर लीजिए। परवीन कुशवाहा अनम्यूट किया आपने? हेलो हाँ हेलो परवीन, हाँ परवीन बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलिए बोलिए। मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 जून 2002 1 जून 2000। दो टू क्या प्रॉब्लम है बताइए। मैम, करियर इश्यू है। करियर में बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रहा है क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी भी टेक करता हूँ। 1 एंड 2 का कॉम्बिनेशन है भाई, कॉम्बिनेशन तो आपका अच्छा है, कोई बुरा और मैम, नहीं पैसों का भी बहुत दिक्कत है। मतलब लाइक मेरे है। मेरे मनी प्रवीण का भी ये मैम बहुत कुछ टाइम पीरियड आप कह सकते हो, 6 अक्टूबर, लेकिन आपका इस बार से कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा प्रवीण, चिंता मत करिए। पीछे ज्यादा टाइम खराब था, लगातार 22 तो है ही आपके पास, 66 आ रहा था, पीछे टाइम खराब था, ये अब 2024 से आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू होगा और ये रिलीफ आपको लगभग अक्टूबर के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा। अक्टूबर तो चल ही रहा है, दिसंबर के बाद, दिसंबर के बाद ज्यादा मिलेगा, समझ रहे हैं? तो 2-3 महीने हैं, आपको करना क्या है, आप एक बात को बहुत ध्यान से सुनिए, आपको सबसे पहले मंडे वाले दिन सुबह शिव जी की पूजा करनी है, अपने घर में बैठ के भी कर सकते हैं, मैं कभी नहीं कहती कि मंदिर जाकर ही पूजा होती है, आप अगर अपने घर में बैठ के मन से थोड़ी देर ओम नमः शिवाय का चैंट भी कर लेते हैं, वो भी महादेव की पूजा है जो आपको करनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको किसी बच्चे को कभी वनीला आइसक्रीम खिला दीजिए, कभी दूध पिला दीजिए, सुबह के समय आप ये काम कर सकते हैं और ये आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो ये करने से आपको बहुत फायदा होगा, उसके साथ साथ आपको अपनी लाइफ में एक और चीज जरूर करनी है कि आप एक 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए अगर पहन सकते हैं तो, उसके बाद आप देखिए कि आपके, कहते हैं ना पैसे की प्रॉब्लम है, ये डेट ऑफ बर्थ अच्छी लेकर बैठे हो, इतनी बड़ी इशू नहीं है, 2 नंबर ही ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में बहुत कुछ कर देते हैं, और वो 1 एंड 2 यानी कि सूर्य और चंद्रमा, जिसका ठीक है उसके पास सब कुछ होता है, लाइफ का कुछ पीरियड खराब आया है जो कि अब अच्छा आ गया, अब प्रॉब्लम नहीं है, अब राजयोग है, अब इस लाइफ को जिए
थोड़ा सा इस दिसंबर यानी कि 2025 जैसे ही शुरू होगा आपकी लाइफ थोड़ी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? 2025 के आप समझ लीजिए कि फरवरी से आपकी लाइफ, जनवरी फरवरी से आपकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा बेटरमेंट आनी शुरू हो जाएगी और आगे सब ठीक है। इतना मत घबराओ, जहां इतना कर लिया आगे सब ठीक है, बीत गया आपका बुरा समय, कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है? क्लियर? सूर्य को जल चढ़ाइए भाई, सूर्य देव को खुश करिए और महादेव की पूजा करिए, और अगर सात मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं तो पहन लीजिए, यही करना है आपको और कुछ नहीं करना, ठीक है? चलिए, आप लोग के बहुत सबके हैंड्स रेज मैं देख रही हूँ, बट 7 to 8 मेरा होता है, आज मैंने पढ़ाने में ज्यादा टाइम लिया, आई थिंक आप लोगों को लगा होगा। अगले फ्राइडे, क्योंकि दिवाली है इसलिए अगले फ्राइडे हमारा ऑफ रहेगा, हम लोग वेबिनार नहीं करेंगे, ठीक है? माला राजपूत कहती है ट्यूजडे इज माई बर्थडे, हैप्पी बर्थडे माला, कहाँ पर हो मुझे दिखाई नहीं दे रही, एक मिनट में देखती हूँ। हैप्पी बर्थडे सबको बोलना चाहिए भाई, अनम्यूट करती हूँ सबको, सब इसको हैप्पी बर्थडे बोल दो माला को, मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ। आप लोग सब मेरी फैमिली हैं, आप लोग रोज मुझे सुनने आते हैं हर फ्राइडे, तो सब लोग एक बार जोर से बोल दो हैप्पी बर्थडे माला, हैप्पी बर्थडे, ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, और ये दिवाली आपके लिए हैप्पी बहुत अच्छी बर्थडे, वाली हो, ये साल आपके लिए बहुत अच्छी वाला हो। मैम सेम टू यू आल्सो, थैंक यू मैम, थैंक यू बहुत-बहुत मैडम, शुभकामनाएं। मैंने कौन मैडम चरण बैठा स्पर्श, थैंक यू हूँ सभी। माला, माला तो आप मेरे शायद वेबिनार में बहुत पुरानी आ रही हैं, आई थिंक मैं यस पहचान गई आपको, बहुत यस मैम, पुरानी आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक यस है? मैम। वो चलिए, पीपल, लोहे का बर्तन प्लीज बता दीजिए, पीपल के पेड़ के पास छोड़ के आना है, नहीं, वो आप घर पे ला सकते, घर कोई पे ला इश्यू सकते हैं। और हाँ, ये सनसेट, सनसेट के बाद ही करना है, दिवाली के दिन सनसेट दिवाली वाले दिन, के। हाँ सनसेट के बाद, थैंक यू ठीक है? मैडम, थैंक यू मैडम, तो ये थैंक यू करिए मैडम। आप लोग, मैंने ब्लेसिंग के लिए बताया, चलिए गॉड ब्लेस यू। चलिए, थैंक यू आप मैम। सब लोगों से, बाकी लोगों से मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं बहुत सारे नहीं ले पाई, पढ़ाने में आज ज्यादा लगी रही, लेकिन कोर्स की डिटेल, ओके कोर्स की डिटेल मैं बता देती हूँ। देखिए मेरा कोर्स जो है 11th ऑफ नवंबर से शुरू हो रहा है, ठीक, और 11th ऑफ नवंबर से शुरू होकर ये कोर्स जो है ये 8 दिन का सिर्फ कोर्स है, जिसमें मैं आप लोगों को ग्रिड की रीडिंग करना सिखाऊंगी, बहुत सारे योगास, 100 से भी ऊपर योगास होते हैं हमारी लाइफ में, वो सारे सिखाए जाएंगे, और उसके साथ साथ महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के थ्रू प्रिडिक्शन सिखाई जाती है। फिर मैं आपको जो है यहाँ पर रेमेडीज भी बताऊंगी, और साथ में ये जो मैं अभी कैलकुलेटर यूज कर रही थी ना, एक्सेल शीट का सॉफ्टवेयर, ये आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मैम ठीक है? मुझे आपके लिए एक फीडबैक देना है। हेलो श्योर पूजा, जरूर दीजिए। मैम्बर्स, मैं तो आप सबको यही कहूंगी कि आप मैम से जरूर कोर्स करें, और मैम जो भी हमारे डाउट्स होते हैं साइड बाय साइड क्लियर करते हैं, उस चीज की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। और आप लोगों को ये भी तो बताओ कि अगले बैच में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इनको आने भी देती हूँ, कि हाँ एक बार और जी रिवीजन जरूर कर लो, है ना? भाई, मैम आप तो साथ कितने साथ डाउट्स लेते रहते हैं, और जो अगर हमारा कोई भी मतलब कोई भी क्वेश्चन हो मैम झट से आंसर देती है, वेट ही नहीं करना पड़ता हमें। एक चीज नेचुरल, और मैं और बोलना तुम जितनी चाहूंगा, मर्जी बार उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है। बिल्कुल और एक चीज और, मैम कभी नाराज भी नहीं होती है। मैम मैम तो है, मैम नाराज कहाँ से होगी। नहीं, कोई कोई लोग होते हैं जो दो बार पूछो कहते नहीं बताते, मैम हमेशा दो बार पूछो 10 बार पूछो वो जरूर जवाब देती हैं बिल्कुल हमेशा। बिल्कुल, हाँ नहीं नहीं वो भी देखिए, मैम के पास पेशेंस वो होते, पेशेंस। यस मैम के पास देखिए पेशेंस बहुत है। मेरा मानना ये है, मैम मेरा मानना ये है कि आप लटक लोग बहुत होप से मेरे पास आते हो कि मैं आपको एक ट्रेंड न्यूमरोलॉजिस्ट बना दूंगी, और अगर मैं उस चीज पे खरी नहीं उतरती तो शायद आप लोगों की बद्दुआएं मुझे लगेंगी, तो मैं सेल्फिश हूं, मुझे बहुत सारी दुआएं चाहिए, ठीक मैम है? आपके पास दुआएं क्यों हैं, तो बहुत अच्छा। मैम इसलिए फी, कोर्स फी भी बता दीजिए, मैं लेट ज्वाइन किया था। कोर्स फी बता दूं, 444-9980 का कोर्स, ये दिवाली ऑफर है, इसके बाद नहीं मिलेगा।
4 4 9, ओके। डबल तो 4 4 9, ठीक है, ये मैडम हमारी दिवाली ऑफर है, ये फेस्टिवल ऑफर है हमारी, इसके बाद एनरोल ये इस चीज के लिए एनरोल काम। करने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा? एनरोल करने के लिए ये प्रोसेस है, मैं आपको एक नंबर शेयर कर देते हैं हम ग्रुप में। जी। अरे चंदन आप यहाँ पर हो? नहीं, चंदन आप यहाँ पर हो? चंदन इससे जुड़ आप जो वो पीडीएफ जरा यहाँ पर ला सकते हो, मैंने आपको को होस्ट बनाया हुआ है शायद, आई थिंक मेरा डिलीट हो गया है वो। मैं एक बार देख लेती हूँ, मैंने शायद ये शेयर किया है, एक सेकेंड मैं आप लोगों को वो नंबर दे देती हूँ, एक मैम। सेकेंड। ये लीजिए, ये मेरी दिवाली ऑफर है, वैदिक न्यूमरोलॉजी का ये कोर्स, ठीक है, और ये फेस्टिवल ऑफर है 4 4 9 9, और इसके साथ साथ ये मेरी बैंक डिटेल्स है, यहाँ पर जीपे नंबर, फोन पे नंबर, पेटीएम नंबर दिया गया है। जो लोग भी चाहते हैं इतना प्रीशियस कोर्स और इतनी कम फीस में करना और हमेशा के साथ मेरी फैमिली में जुड़ना, सबसे बड़ी बात कि आप लोग जब एक बार मेरी फैमिली में आ जाते हो तो ये जितना प्यार मुझे मिल रहा है ना स्टूडेंट्स का, ये ऐसे नहीं मिल रहा। मैं भी इनको प्यार करती हूँ और ये लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, है ना। मैडम, आई एम इंटरेस्टेड, यस मैं मैम, बिल्कुल यस यस, ज्वाइन मोस्ट करना वेलकम, मोस्ट वेलकम। ठीक है अजय शर्मा जी, इस पे चाहता ये स्कैनर आप ले लीजिए या मेरा फोन पे नंबर, तो ये फीस आपको पे करनी है 11th ऑफ दिसंबर में, सॉरी नवंबर में आपको जो है टाइम बता दिया जाएगा किस टाइम पे। आई थिंक मैं शाम का ही समय रखती हूँ, मैं दोपहर का समय कभी नहीं रखती, ताकि जो लोग थैंक यू। वर्किंग हैं वो लोग भी आ सकें, है यस यस ना। मैम हाँ जी, थैंक जो यू लोग सो वर्क, मच ठीक है, तो वर्किंग लोग भी आने मैम। चाहिए मेरे पास, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि मैं लेडीज के लिए ही दोपहर को कोर्स रख दूँ, वो भी रखती होती हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ जी मैम बताइए। आपका आपका कोई को, नंबर मिल सकता है मैम? कुछ पर्सनल क्यूरियस थी, वो मैं आपको चैट पे पूछ लूंगा, इसलिए देखिए मतलब अगर हो सके, पॉसिबल हो सके। अजय शर्मा जी, आप मेरे स्टूडेंट बन जाएंगे तो पर्सनल नंबर भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है, जी जी लेकिन जी इस समय मैं सबको नहीं दे सकती। जी ओके ओके ओके, थैंक यू सो चलिए गॉड ब्लेस यू, जो लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, आप सबकी दिवाली शुभ हो। और अब मैं अगले फ्राइडे नहीं, उससे अगले फ्राइडे आप लोगों को मिलूंगी, जी। लेकिन मंडे को हमारी जो फैकल्टी है पवनदीप कौर, जो कि हमारी एस्ट्रोलॉजी की टीचर हैं, और इसके साथ साथ वास्तु की जो हमारी टीचर हैं वो नीलम सिंह, इस मंडे को नीलम सिंह वास्तु के बारे में आपको बहुत कुछ बताने आएंगी, तो उनको सुनने के लिए आप मंडे को आइए। और वो अकेली नहीं आती, मैं साथ में आती हूँ हमेशा, थोड़ी देर के लिए आऊँ लेकिन मैं ज्वाइन जरूर करती हूँ। तो मिलते हैं इसी मंडे को वास्तु की बहुत सारी टिप्स लेने के लिए, ठीक है। चलिए नमस्कार हैप्पी सबको, मेरा दिवाली मैडम, नमस्कार, हैप्पी दिवाली। नमस्ते, माला वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, थैंक गॉड ब्लेस यू। यू सो मच मैम। चल।